हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। एंड कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो जैसे आप जानते हो कि हम लोग यूनिट 10 कर रहे हैं, तो यूनिट 10 में आज हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। बट टॉपिक छोटे होने से कुछ नहीं होता है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या होता है ये। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेसेस और उसकी थ्योरीज के रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यूनिट 10 में आप लोगों का ऑलरेडी अपलोडेड है एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डन यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 6, यूनिट 8 एंड यूनिट 9। ये हमारी यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस किया हुआ है, एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, या फिर चैनल पर चले जाइए, चैनल पर भी आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए, आपका मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट का अलग से आपका वीडियो बना हुआ है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इवन पेपर वन के लिए भी एक अलग से आपकी प्लेलिस्ट है, एचआरएम के लिए अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी, इनको गो थ्रू कीजिए और सारे टॉपिक कवर कीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए, तो उसको हम लोग ज़रूर गो थ्रू कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड साथ ही साथ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। इन दोनों टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट हु इज द एंटरप्रेन्योर। आपका ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये वो पर्सन्स होते हैं जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज होते हैं और इन आइडिया को ये फिजिबिलिटी कंडीशंस में लेकर आते हैं। ये जो फिजिबिलिटी कंडीशंस होती है, दैट मीन्स कि कंपनी को ये इस्टैब्लिश करते हैं, कंपनी को ये इस्टैब्लिश करते हैं, ये वाला जो फंडा होता है, ठीक है, इस्टैब्लिश करते हैं। तो ये वाले जो पर्सन्स होते हैं, दे आर बेसिकली एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या होती है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पर्सन्स होते हैं, दे आर दी आइडिया जनरेशन। सबसे पहले यहाँ पर आइडिया को जनरेट किया जाता है। जब एक आइडिया आपके माइंड में आ जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक बिजनेस प्लान तैयार करते हैं, जिसमें यू कैन इंक्लूड ईच एंड एवरी थिंग कि आपका बिजनेस जो प्लान है वो शॉर्ट टर्म का प्लान है या लॉन्ग टर्म्स का प्लान है या फिर मिड टर्म्स का प्लान है, कौन कौन से रिसोर्सेज आप उसके लिए आपको अवेलेबल्स रहेंगे। मतलब एक तरह से आप पूरा एक ब्लू प्रिंट जो है वो आप तैयार करते हो, तो वो ब्लू प्रिंट आपके लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। इसके बाद आप तैयार करोगे फंड राइजिंग, किस किस एरिया को आपने कवर करना है, ये सारा कुछ आपके बिजनेस प्लान में मौजूद होता है। इसके अकॉर्डिंग यू फाइंड आउट योर फंड राइजिंग कि आप कहाँ कहाँ से इसका फंड आप अरेज कर सकते हो, तो वो फंड आप यहाँ पर अरेज कराओगे, ठीक है। तो आपने इसके लिए फंड तैयार कर लिया। अब फंड तैयार होने के बाद प्रमोशंस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब आप बिजनेस ऑब्वियसली लॉन्च कर रहे हो तो उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा कि लोगों को पता चले कि यस दिस इज अ बिजनेस और इसके बारे में लोगों को जानते हैं या नहीं जानते, तो वहां तक पहुंचना जरूरी है। तो आप प्रमोशन करोगे, प्रमोट करने के बाद फिर कमर्सिंग का मतलब होता है आपने बिजनेस को क्या कर दिया है, बिजनेस को एस्टैब्लिश कर दिया है। तो बिजनेस एस्टैब्लिश करने को कमेंसमेंट कहते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि आपने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया, उसे फिजिकल कंडीशन में लेकर आ चुके हैं। एंड देन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग जैसे कि पौधों में खाद डाली जाती है ना उसको ग्रो करने के लिए, उसी तरह से अपने बिजनेस को भी ग्रो करने के लिए किस किस पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस गाइड कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट क्रिएट एन आइडिया, फिर उसका बिजनेस प्लान तैयार करते हैं, फंड देखते हैं, प्रमोट करते हैं, बिजनेस अपना एस्टैब्लिश करके लेकर आते हैं और फिर उसको इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू उसको और ज़्यादा हार्वेस्ट करते रहते हैं। तो दिस ये आपका एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस होती है। इसी के माध्यम से हर एक एंटरप्रेन्योर अपने एक नए आइडिया को फिजिबल कंडीशन में लेकर अब मार्केट में लॉन्च करता है। नाउ गाइज, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, जो प्रोसेस आपकी चल रही है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी रिक्वायर्ड द कॉम्पिटेंसीज। हर एक एंटरप्रेन्योरियल के अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं। कॉम्पिटेंसीज मतलब उसकी क्षमताएं, या आप कह सकते हो कि उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है।
तो वही चीज यहाँ पर भी आपको कॉम्पिटेंसीज बताती है, हाउ टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, कैसे आप इन कॉम्पिटेंसीज को लेकर आते हो। सो द कॉम्पिटेंसी रिजल्ट इन सुपीरियर परफॉर्मेंस। बेसिकली आप कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि जो कॉम्पिटेंसीज मतलब जो क्वालिटी है, वो क्वालिटीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है उस काम को करने के लिए। आप कितने ज्यादा कैपेबल हो, वो कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज में आप कैसे कॉम्पिटेंसीज को क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ये उसके बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहली चीज है कि आपका जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है, आपकी जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस आपकी कॉम्पिटेंसीज को बेटर करने में मदद कर सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि कॉम्पिटेंसीज की मदद से आपकी परफॉर्मेंस सुपीरियर होती है। कॉम्पिटेंसी रिजल्ट इन सुपीरियर परफॉर्मेंस। नाउ दिस इज एग्जिबिटेड बाय द वन डिस्टिंक्ट बिहेवियर इन द डिफरेंट सिचुएशन। ये बहुत ज्यादा टिपिकल होता है कि कॉम्पिटेंसीज, दैट मीन्स कि हर एक सिचुएशंस में आप अपनी एक अलग कॉम्पिटेंसीज को शो करते हो। कहीं पर रिस्क है तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, कहीं प्रमोट करना है तो किस तरह की आप वर्क एक्टिविटीज कर रहे हो। तो हर जगह पर आपको एक ना एक नई कॉम्पिटेंसीज आप यहाँ पर यूज करते ही करते हैं। मैकलिन एंड विंटर्स विंटर्स हैज प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट द entrepreneurial competencies can be inject and developed in the human minds through the proper education and training. This is the important point, guys. Kindly mention the important mark here or the star mark here. जो आपके बहुत अच्छे theorist हैं Maclean and Winter, इन्होंने यहाँ पर बताया है 1969 में कि जितने भी हमारे human being हैं, कहते हैं ना कि entrepreneur, बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, इंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, है ना, बॉर्न से ही वो क्रिएटेड होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो खुद एक अच्छी चीज ट्रेनिंग लेके वो क्रिएट हो सकते हैं, या वो सारे पर्सन जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, अपने आप में कुछ हासिल करने की क्षमता होती है, वो इंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ये ह्यूमन माइंड जो है उस माइंड को एंटरप्रेन्योरियल के लिए डेवलप किया जा सकता है थ्रू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर इनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो ह्यूमन माइंड जो है वो एंटरप्रेन्योरियल के लिए क्रिएट किया जा सकता है, बोला जा सकता है कि भाई आप जो है वो बन सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर। नाउ कॉम्पिटेंसी फाइंड द एक्सप्रेशंस इन द ह्यूमन बिहेवियर। आपको ह्यूमन के बिहेवियर में उस तरह की कॉम्पिटेंसीज जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी, तभी वो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर कोई कंसेप्ट यहाँ से बोला गया है तो यहाँ जो 10 बंदे हैं उनमें से एक बंदा जो है वो कुछ यूनिक क्वालिटी रखता है और वो चाहता है कि कैसे उसको बेटरमेंट की तरफ लिया जा सके। तो वो उसका माइंड कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके, उसके अंदर ट्रेनिंग और एजुकेशन को फिल करके आप उसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो गाइज एक छोटी सी प्रोसेस है इसके लिए, बड़ी सिंपल सी, कि कॉम्पिटेंसी को हम कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन जरूरी है। मतलब जो भी एक पर्सन है उस पर्सन के लिए प्लस कंपनी में जिस पोजीशन के लिए आपको वो चीज रिक्वायर्ड है उसकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। फिर पर्सन की कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद में कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट किया जाता है कि क्या वो पर्टिकुलर जॉब जो हमको इस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, या इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो जो हमें क्वालिटी चाहिए, क्या वो क्वालिटी इन कॉम्पिटेंसीज से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसका एक असेसमेंट होता है। असेसमेंट करने के बाद ये प्रोसेस जरूर याद रखना, क्या हो रहा है इस बार के जो एग्जाम्स आ रहे हैं ना उनमें आप लोगों को प्रोसेस ही पूछी जा रही है कि व्हाट कम नेक्स्ट करके आपको चार स्टेप्स दे दी गई है, या फिर सीक्वेंस में बनाइए, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसके चलते आपको सीक्वेंसिंग के चलते आपको ये प्रोसेस की ना आपको टर्म्स याद रहने चाहिए कि क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन असेसमेंट हो गया। असेसमेंट करने के बाद अगर यहाँ पर कोई गैप फिलिंग होनी है तो हम क्या करेंगे, एक मैपिंग कर देते हैं। मैपिंग करने का मतलब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कौन कौन सी और कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है। लाइक उसके अंदर चार क्वालिटी ऑलरेडी है बट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन छह चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए वी एड ऑन द 2-1। फिर डेवलप दी इंटरवेंशन, फिर उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स जो हैं वो इजाद करते हैं जिससे कि हम उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको डेवलप करा सकें। सो दैट इज द बेसिक सिंपल प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट। नाउ वे टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को जितना ज़्यादा हो सकता है गेन किया जा सकता है।
कॉम्पिटेंसीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके बेसिस पर उसको और ज्यादा बढ़ाया जाता है। सेल्फ असेसमेंट के थ्रू इसे किया जा सकता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं और क्या चीज आपको कम है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। रियल लाइफ सिचुएशन से देखकर आप चीजें सीख सकते हो। कॉम्पिटेंसीज को जो बेटर पर्सन है जिसके साथ आपका जो कॉम्पिटिटर है उस कॉम्पिटिटर की कॉम्पिटेंसीज के अपनी कॉम्पिटेंसीज को कंपैरिजन करके भी आप यहाँ पर अपनी कॉम्पिटेंसीज को क्रिएट कर सकते हो। और जो हमें फीडबैक मिलता है फ्रॉम द अदर्स वंस उनके थ्रू भी यू कैन डेवलप योर कॉम्पिटेंसीज। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक अच्छे अगर आप एक स्टूडेंट है, एक भाई है, एक बहन है, आप मतलब बहुत सारे रोल आप प्ले करते हो, लेकिन हर रोल में आप परफेक्ट हो ऐसा जरूरी तो नहीं। समटाइम इट्स हैपन कि कोई आपको बताता है कि यार अगर इसको ऐसा किया जाए तो ये और बेटर हो सकता है। कोई आपको इस रोल में आप एक फ्रेंड भी हैं, आप मे बी पॉसिबल कि अगर आप मैरिड है तो आप वाइफ भी हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर एक पर्सन अलग अलग जो रिश्ता है वो निभाता है, और हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अगर कमी होती है तो वो कहीं ना कहीं से हमें अगर पता चलता है कि यार अगर इसको ऐसा किया जाए तो ये और ज़्यादा बेटर हो सकता है। इस तरह से अगर किसी ने आपसे बोला तो आप क्या कर सकते हो, लाइफ सिचुएशन के थ्रू कंपैरिजन कॉम्पिटेंसीज या फिर जो फीडबैक आपको मिल रहा है, हर एक जगह से आप अपने अंदर कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, कुछ इनोवेट ला सकते हो। तो वो जो नया आप क्रिएट करते हो, जो इनोवेट लाते हो, वही आपकी एक तरह से कह सकते हैं कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाता है। सेम फंडा जो है, ये जो कॉम्पिटेंसीज आपकी बढ़ रही हैं, ये जो आपकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ रही हैं, ये सेम फंडा एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। एंटरप्रेन्योर ने पहले कोई चीज डेवलप करी, उसके बाद उसमें कुछ इनोवेशंस किए, फिर कुछ फीडबैक मिला, फिर कुछ इनोवेशंस किए, ऐसे करते करते उस पर्सन के अंदर भी क्या होगा, कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती चली जाएंगी। सो दैट इज द बेसिक फंडा बिहाइंड द एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इसे क्रिएट कर सकते हैं। Now the competencies of a successful entrepreneur. एक successful entrepreneur के लिए कौन कौन सी competency required है, although आप सभी जानते भी होंगे। So इस entrepreneur के लिए कुछ competencies जो required है, that is the decision making power होनी चाहिए, self confidence, skills development, risk bearing capacity, he should be imaginative, so वो अपने आप को future oriented perspective से रख सके, willingness to change, that means he should be flexible and change according to the situations, foresightness, that means कि दूरदर्शिता वो रख सके, चीज़ों को समझ सके, ambitious होना चाहिए, optimism, that means कि जितने भी resources उसके पास हैं उन सबको बेहतर से बेहतर यूज करना उसको आना चाहिए, dynamic होना चाहिए, that means जितना हो सकता है जहाँ हो सकता है अगर उसको कहीं कुछ innovative दिख रहा है, कुछ नया दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो चेंज कर सके, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंसीज फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा एक एंटरप्रेन्योर प्रोसेस कैसे डेवलप की जाती है कॉम्पिटेंसीज को, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो इंडिया में भी मतलब किस तरह से कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सकता है, और कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज है जिनको हमको डेवलप करना पड़ता है जब हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो यही सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी कॉम्पिटेंसीज को क्रिएट कराती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। जॉइन द टेलीग्राम गाइस फॉर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासेस, रिगार्डिंग द नोट्स एंड ऑल, सारी चीजें आप लोग इस पर ज्वाइन कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्लासेस के लिए, न्यू MCQs के लिए, ठीक है। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, नए वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा, कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।